What's up guys, this is Speed Shifter और guys आज हम खेलने वाले GTA 5। जी हाँ, आज हम GTA 5 ही खेलेंगे। हाँ guys, तो guys आज मैं बता दूं कि हम GTA 5 में क्या करने वाले हैं। तो guys आज हम करने वाले हैं GTA 5 में एक बहुत जबरदस्त गाड़ी को चोरी। तो guys उसकी गाड़ी का नाम मैं आपको बता दूं, उसका नाम है Lamborghini Countach। जी हाँ guys, आपने बिल्कुल सही सुना, Lamborghini Countach, जो कि guys $2.5 million की है। $2.5 million, इसका मतलब अगर आप कन्वर्ट करें तो लगभग 25 करोड़ रुपए, इंडियन की करेंसी के हिसाब से 25 करोड़ रुपए की गाड़ी है वो। ऑलराइट गाइस, तो है क्या कि लॉस सैंटोस में एक बहुत ज़बरदस्त अमीर बंदा है जिसको एक बंदे ने पार्टी में बुलाया है। तो वो पार्टी के अंदर जा रहा है अपनी उस कार से और गाइस वो उसके पास है। तो गाइस लॉस सैंटोस में हमारे पास ना हो गाड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो गाइस उस गाड़ी को आज हम चोरी करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एंजॉय करें, और गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्पीड शिफ्टर। ऑलराइट, मैं क्या करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात माइकल को बताऊं या नहीं बताऊं, दिमाग की ऐसी की तैसी हो रही है। पर मुझे इस टाइम पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ ये बात मैं माइकल को बता दूँ, यही सही रहेगा। मैं माइकल को फ़ोन करता हूँ। मैं माइकल को सब बता दूँगा उसके बारे में। कम ऑन माइकल, फ़ोन उठा, कम ऑन। आज बहुत ही थकान भरा दिन था। ये किसका फोन आ रहा है? साइमन? Hey, साइमन, कैसा है दोस्त? बस यार मत पूछ, हालात थोड़े ठीक नहीं चल रहे दोस्त। आखिर ऐसा क्या हो गया तेरे साथ? हाँ कुछ नहीं यार, बस बिजनेस में अच्छा खासा लॉस हो गया। मैंने इसलिए तुझे फोन किया था यार, मुझे पैसों की जरूरत है, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए। माइकल क्या तू मुझे दे सकता है? हाँ, उसके बदले मैं तुझे एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे तुझे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, जो कि तू कर लेता जैसे उस टाइप के काम। ठीक है, मैं तुझे दे दूंगा, पर मुझे उस चीज के बारे में बता जो तू मुझे बताना चाह रहा है। ऑलराइट, तो एक अमीर बंदा है जिसका नाम है जेसन, उसने अपने दोस्त को इनवाइट किया एक पार्टी में, और उसके पास है लैम्बोर्गिनी कॉन्टार्च। उसका प्राइस $2.5 मिलियन है माइकल। बस मुझे इतना पता है कि उसका बंगलो किसी बीच के आसपास है और उसका बंगलो नंबर है 7709। तो मौका अच्छा है, चुरा ले वो गाड़ी। ऑलराइट, दैट साउंड्स गुड, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तू कल पैसे लेने आ जाइयो, ओके? थैंक्स माइकल, तू बहुत अच्छा है यार। चल मैं तुझसे अब कल मिलता हूँ, ठीक है ना? ओके बाय। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि हमने देखा कि माइकल के पास आया था साइमन का फोन, और गाइस साइमन थोड़ा परेशान था क्योंकि उसको बिजनेस के अंदर थोड़ा लॉस हो गया है। सो गाइस हम उसकी मदद कर रहे हैं, तो उसने बताया है कि एक बहुत अमीर बंदे ने एक पार्टी रखी जिसमें उसका फ्रेंड इनवाइटेड है और उस फ्रेंड के पास है लैम्बोर्गिनी कॉन्टार्च। तो गाइस हम जा रहे हैं वो गाड़ी चुराने के लिए। तो गाइस उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि हम कपड़े चेंज कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि लगना चाहिए ना कि हम बढ़िया मिशन के ऊपर जा रहे हैं। तो हम थोड़े मिशन वाले टाइप के, मिशन इम्पॉसिबल टाइप के कपड़े पहनने वाले हैं, तो फिर जाएंगे हम लैम्बोर्गिनी कॉन्टार्च को चुराने के लिए। ऑलराइट, तो हम चेंज कर लेते हैं अपने कपड़े, आउटफिट्स। तो मैं एकदम हिटमैन टाइप वाले कपड़े पहनना चाहता हूँ, पर मुझे मिल नहीं रहे, कहाँ गए? नहीं ये भी नहीं। ऑलराइट गाइस, ये रहे, मिल गए। तो गाइस हम मिल चुके हैं, ये वाले कपड़े हम पहनने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं जल्दी से, अभी हमें जाके अपनी लैम्बोर्गिनी भी चुरानी है। तो गाइस हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। वैसे कैसा लग रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके लेट्स गो, चलते हैं। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि वो घर है कहाँ पर, अभी पहले हमें घर जाके वो ढूंढना होगा। वैसे उसने बताया था, क्या नंबर बताया था, 7709 है ना, कुछ ऐसा ही नंबर था। और ये आंटी खाना नहीं, अरे आंटी जाके खाना बनाना, क्या कर रही है यहाँ पर, इधर उधर घूम रही है, बिल्कुल पागल, खाना बना। सो गाइस जल्दी से चल के बैठते हैं अब अपनी गाड़ी में, और गन्स तो हमारे पास सारी होती ही हैं, तो हमें गन्स के लिए तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। ऑलराइट, तो ये रही हमारी ब्लू ऑडी, तो हम इसमें बैठते हैं जल्दी से। ओके
ऑल राइट गाइस, तो हम बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो गाइस गाड़ी को कर लेते हैं अब हम स्टार्ट। और ये हमने कर लिया, इग्निशन मोड पर डाल दिए गाड़ी। और फैन स्पीड भी मैं थोड़ी सी एडजस्ट कर देता हूँ, हाँ इतनी काफ़ी है। ओके तो ऑल सेट, अब हम चलते हैं। हम ये हमने कर लिया गाड़ी को स्टार्ट। यार ये रेडियो ज़रूर बजना होता है, इसको साले को बंद करो जल्दी से। कहाँ गया, हाँ इसको बंद कर देते हैं हम रेडियो को। ऑल राइट तो गाड़ी डाल लेते हैं हम अपने फर्स्ट घेर में और अब चलते हैं आगे बीच की तरफ, क्योंकि वहीं पर ही उसने घर बताया था। तो गाइस वहाँ पर जाके हमें देखना पड़ेगा कि वो बंगला आखिर है किधर। वैसे मैंने बीच की लोकेशन तो लगा ली है कि तकरीबन 2.2 माइल्स के आसपास बता रहा रास्ता गाइस। तो अभी हमने कोई प्लान बनाया नहीं है, तो गाइस हमें अभी ये भी नहीं पता कि वहाँ पर जाके वहाँ के घर की सिक्योरिटी कैसी होने वाली है। बस हमें सिमियन ने बताया कि वहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी कॉन्टार्च आने वाली है गाइस। तो गाइस फिर क्या था, हम निकल पड़े कॉन्टार्च ढूंढने के लिए। और गाइस हम ठहरे प्रो लोग, तो हम हार तो मानने वाले में से है नहीं, तो गाइस गाड़ी तो ज़रूर लेके आएंगे। और अगर गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दोनों को दबा देना। और जो है सब्सक्राइब का बटन तो बिल्कुल ही दबाना मत भूलना। आज वैसे काफ़ी कम ट्रैफिक नहीं लग रहा गाइस लॉस सैंटोस में? खैर एनीवेज हमारे लिए तो अच्छा ही है कि कम ट्रैफिक हो, तो हम गाड़ी को बहुत आसानी से लेकर आ सकते हैं। हो सकता है हमारे पीछे पुलिस भी ना पड़े। और गाइस इस बार वाला जो मिशन है ना, वो गाइस हम ऐसे नहीं करने वाले, हम करेंगे बिल्कुल हिटमैन स्टाइल के अंदर गाइस, बिल्कुल किसी को पता ही ना चले और हम गाड़ी को चुरा लेंगे। सो बस हमें यहाँ से लेना है राइट और फिर लेफ्ट और फिर बीच आने स्टार्ट हो जाएंगे गाइस हमारे। अरे दो गाड़ियाँ दिखी, नहीं तीन आए थे। ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। वैसे गाइस आप लोगों की सबसे फेवरेट कार कौन सी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हो सकता है कि मैं अगली वीडियो उसी गाड़ी के ऊपर बना दूँ। सो गाइस लेफ्ट साइड पे हमारे बीचेज आने तो स्टार्ट हो चुके हैं, बस हमें करना क्या है, हमें घर ढूंढना है और फिर उस घर के अंदर जाने की कोई तैयारी करनी है, कोशिश करनी है हम उस घर के अंदर कैसे जाएंगे। वैसे तो मुझे यहाँ पर कोई अभी कोई घर दिख नहीं रहा है, थोड़ा और आगे जाके देखते हैं शायद दिख जाए। वैसे तो गाइस वो घर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा बंगलो है, पता नहीं मैं उसको क्यों बार बार घर कह जा रहा हूँ। साइमन ने बताया था गाइस कि उस बंगलो का नंबर है 7709, तो गाइस हमें वो 7709 वाला बंगला ढूंढना है। बट मुझे यहाँ पर कहीं आसपास दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं। नहीं ये भी नहीं है। वैसे उसके ऊपर तो बड़ा बड़ा भारी लिखा होगा अगर इतना बड़ा है तो। वो यहाँ तो गाइस सब छोटे ही दिख रहे हैं मुझे, कहीं साइमन ने हमें पागल वागल तो नहीं बना दिया? पता नहीं गाइस, ये तो आगे जाके ही पता लगेगा, अभी तक तो खैर मुझे कोई दिखा नहीं है। अगर आपको दिखा हो तो बताना ज़रूर। वैसे लोकेशन के हिसाब से तो वो यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए, पर दिख नहीं रहा गाइस। एक मिनट, मुझे दिखा शायद, यही है शायद गाइस, यही वाला है। थोड़ा बैक लेके देखते हैं हम। 7709 गाइस मिल गया गाइस, यही वाला घर है 7709। और राइट गाइस, तो अंदर जाने से पहले हम अपनी गाड़ी को कहीं सेफ जगह पर पार्क कर देते हैं ताकि हम वापस इसको आके दोबारा ले सकें, या हमारा कोई ड्राइवर वहाँ से ले जाएगा। तो यहाँ अंदर ज़रूर होगी पार्किंग, कोई अंदर जाके देखते हैं। यहाँ ही खड़ा कर दूँ तो? वैसे नहीं यार, यहाँ तो नहीं खड़ा कर सकते, यहाँ से गायब हो सकती है गाड़ी। एक मिनट, मुझे आगे शायद पार्किंग दिखाई दे रही है, वहाँ पर हो सकता है। हाँ गाइस ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। यहाँ पर अगर हम पार्क कर दें, नहीं यहाँ नहीं, वो आगे वाला पार्किंग सही है, ये वाला। ऑल राइट तो हमें पार्किंग मिल चुकी है, यहाँ से हमारी गाड़ी कहीं गायब नहीं होगी और हम गाड़ी को वापस आके यहाँ से ले भी सकते हैं अपनी। ऑल राइट तो मैं डालता हूँ रिवर्स गियर और डल चुका है गियर, थोड़ी सी पीछे हम आगे वाले में खड़े करेंगे, यहाँ तो टेढ़ी खड़ी होगी। हाँ ये वाला ठीक है, फर्स्ट गियर डाल के ये हमने कर दिया अपनी गाड़ी को पार्क। अब गाइस हमें पैदल जाना पड़ेगा, वैसे ज़्यादा दूर तो है नहीं, हम पैदल चले जाएंगे, काफ़ी पास ही है वो घर यहाँ से। ऑल राइट तो गाड़ी को कर देते हैं बंद, ये हो गई हमारी गाड़ी बंद। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और आगे लेकर आता रहूँगा। तो अब हम चलते हैं, एक बार गाड़ी को दिखा दूँ मैं आपको। देखो गाइस ये भी वैसे कम नहीं लग रही अपनी ऑडी भी, ज़बरदस्त लग रही है एकदम कमाल की। ओके तो अब चलते हैं, काफ़ी टाइम हमने यहाँ पर लगा दिया है। ऑल राइट
और गाइस काफ़ी लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि आप कौन सा ग्राफिक मोड यूज़ कर रहे हो, तो गाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ रियलिज्म बियॉन्ड, और कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। वैसे काफ़ी लंबा रास्ता हो गया है, हम भाग के भी कवर नहीं कर पा रहा है, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी वहाँ खड़ी करके। ओके गाइस, तो ये है वो बंगला गाइस, देखो कितना बड़ा है, मैं आपको एक बार दूरबीन से दिखाता हूँ, रुको दो मिनट गाइस। ये काफ़ी बड़ा है, वैसे मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना बड़ा होगा, बट ये काफ़ी बड़ा है। अब इसके अंदर तो हमें गाड़ी भी ढूंढने में टाइम लग जाएगा कि खड़ी भी कहाँ है, क्योंकि कितनी तो एंट्रियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, एक यहाँ से है और हो सकता है दो तीन पीछे से भी हो। खैर आगे चल के देखते हैं, भागो भागो, और तेज़ भागना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। इधर से भी दिख रहा है गाइस, एक बार देखो कितना बड़ा है ये। अरे ये कौन पिटा गाइस, आपको भी आवाज़ आई ना पिटने की किसी के? ऑलराइट, तो बस हम पहुंच ही गए हैं यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं कि आगे कोई खड़ा। ओ माय गॉड, ओके गाइस, तो फ्रंट में ही दो गार्ड्स खड़े हुए हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखो एक वहाँ पर है एक वहाँ पर है, रुको आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं टेलीस्कोप से, ठीक है तो यहाँ से सही दिखेंगे। ऑलराइट, तो एक यहाँ है और एक गाइस वहाँ पर है, ये बंदर सी शक्ल के गार्ड जो है ना, एक यहाँ पर खड़ा। एक मिनट गाइस, वो साइड में क्या आपने देखा क्या? मैं आपको दूसरा गार्ड भी दिखाता हूँ, वो भी यहीं खड़ा होगा पूरा। तो गाइस हम सामने से तो एंट्री कर नहीं सकते, तो हमें कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर गाइस एक चीज़ देखी थी, देखो देखो आपको दिखा क्या वो गाइस? वो आखिर क्या है, वो आगे पीछे ये वो ठुकरा है, पास जाके देखते थोड़ा। ओ भाई साहब, ये तो कमाल की चीज़ लग रही है गाइस, मैंने ऐसी चीज़ कभी GTA में देखी नहीं है वैसे। रुको मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ इसे भी, क्या है ये आखिर गाइस? ये ऐसी लंबी सी फ्रिज जैसी गाड़ी ही लग रही है ना, और ये बार बार एक जगह ठोके को जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मुझे इसके पास जाने का बहुत मन कर रहा है भाई, इस पर ये दो गार्ड्स खड़े हुए, शायद ये हमें पीट बिटाना दें, तो ऐसा हम करेंगे नहीं। खैर छोड़ो इन्हें, ये गेम का बग लग रहा है मुझे कोई। ऑलराइट, तो हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा वहाँ पर जाने के लिए। नीचे कुछ है क्या? ओके गाइस, तो मुझे वहाँ पर एक चीज़ दिख तो रही है। हाँ गाइस, वहाँ पर चेयर्स हैं जो कि घर में जुड़ रही हैं, और वहाँ पर कोई, एक मिनट, वहाँ पर भी एक गार्ड है पर वो उल्टी साइड खड़ा हुआ है। यार गाइस सच बताऊँ, मेरा पता नहीं क्यों बार बार उस गाड़ी को देखने का मन कर रहा है, मैं एक बार जाके ज़रूर देख के आता हूँ उसे, कहाँ से घुसूँ पर मैं एक। अरे वहाँ पीछे बोट के पीछे से एक बार घुस के देखते हैं, शायद ही हमें कुछ ना कहें। वहाँ पर गाइस एक बोट दिख रहा है ना आपको साइड में, हम उसके पीछे से जाके देखते हैं क्या मैं यहाँ से घुस पाऊँगा। ओ मैं अटक गया यार, और मैं निकल गया गाइस, हम निकल गए और हम काफ़ी पास पहुंच चुके हैं। ओ माय गॉड, अरे ये क्या है ये गाइस? ये कश्ती जैसी गाड़ी गाइस मैं पहली बार देख रहा हूँ कसम से GTA में, और इसमें एक आंटी पी के लुड़की भी है। ऑलराइट, ओ अरे भाई क्या कर रहा है यार ये पागल, मारेगा गाइस यहाँ से बाहर निकलना चाहिए इससे पहले यहाँ पर हम अंदर जाने से पहले ही मर जाए। ऑलराइट, तो हम बाहर आ चुके हैं। तो गाइस ये वैसे कमाल की चीज़ है, मैंने कभी पहले देखी नहीं है GTA में। तो गाइस अगर आप लोगों ने देखी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या कौन सी गाड़ी है, मैं इसको चलाना चाहता हूँ प्लीज़। ऑलराइट, तो हम गाइस अपने मिशन पे स्टिक रहते हैं, हम चलते हैं नीचे, और जैसे कि हमने फैसला किया था कि हम किसी को इस मिशन में मारेंगे नहीं, तो हम सिर्फ इसके अंदर लोगों को बेहोश कर सकते हैं, जो कि हम स्टन गन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ये मिशन एक हिटमैन स्टाइल में करना है गाइस। तो हम इस मिशन में किसी को नहीं मारेंगे, हो सकता है मारना पड़ जाए, मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता। ऑलराइट, तो थोड़ा पास चल के देखते हैं, अब हम थोड़ा आराम से चलते हैं आगे, खड़ा हुआ तो है। ओके, तो गाइस वैसे मुझे इसको मारने का फ़ायदा लग नहीं रहा, पर हम फिर भी इसको बेहोश ज़रूर कर देते हैं, क्योंकि आगे जाके कुछ हो सकता है दिक्कत ना करे। ऑलराइट बच्चू, तो तू गया, 1 2 3 मर गया गाइस, मर गया। और ये कैसा लग रहा जरा गाइस? ओए एक, ये गायब कहाँ हो गया बे, ये किधर गया गाइस?
ये गेम कसम से गजब है गाइस, इसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है। ओए कहाँ भाग रहा, निकलो यहाँ से सालो, भागो यहाँ से तेरी तो। अरे इतनी दूर तक काम नहीं करे गाइस, पर चलो खैर वो भाग गए और इधर वालों को फ़र्क भी नहीं पड़ा, ये आराम से अपना व्यू देख रहा है। खैर कोई नहीं, अब हम चलते हैं, ऊपर ही चलना चाहिए हमें, नीचे चले ऊपर चले, ओ ऊपर चलते हैं। ओके तो यहाँ से और कोई रास्ता भी है क्या? वैसे और कोई रास्ता तो मुझे दिख नहीं रहा, हम वहीं से ही चलते हैं सीढ़ियों के थ्रू ऊपर। ऑलराइट तो ये हम जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ पर भी एक गेट है, यहाँ पर कोई गार्ड वार्ड तो नहीं है? नहीं यहाँ पर मुझे कोई गार्ड वार्ड तो नहीं लग रहा। ऊपर एक रास्ता जा रहा है गाइस, ऊपर चल के देखते हैं। वैसे मुझे लगता है हम ऊपर बेकार में आए, हमें ऊपर से कुछ काम नहीं है, नीचे ही होगा, नीचे चलते हैं गाइस। हाँ ऑलराइट तो हम यहाँ से चलते हैं गाइस। ये कैसी जगह आ गई, यहाँ से तो कोई रास्ता यहाँ है गाइस, ये रास्ता मिल गया, यहाँ से हम आगे चलते हैं। नीचे जाएँ या यार ये घर भूल को भूल भूलैया लग रहा है यार मुझे तो। ओके तो हम आगे जाते हैं यहाँ से, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। और इधर क्या है? एक मिनट गाइस, आप लोगों ने देखा यहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है गाइस वही दो लोग हैं, इसमें से एक जेसन होगा और एक उसका दोस्त होगा शायद, जिसकी वो लैम्बोर्गिनी है, बट अभी हमें वो पता नहीं कि कौन सा वाला है। पर आई थिंक एक बार और झांक के देखते हैं गाइस, आपसे आपको मैं दिखा नहीं पा रहा। हाँ देखो दिख रहा है गाइस, वो ब्लैक कोट वाला जो है ना गाइस, वो जेसन है पक्का। और गाइस वो नीली शर्ट वाला जो है गाइस, उसकी है वो लैम्बोर्गिनी कॉन्टार्च, जिसको हमें चुराना है। यहाँ से कोई रास्ता है उधर उधर जाने का, बट यहाँ से यार कोई रास्ता नहीं है, तो मैं अटक जाऊँगा। यहाँ से घुस तो गया वैसे मैं, पर अरे यार, अरे अटक गया यार मैं, ओ ओ मैं निकल गया गाइस, शुक्र मैं निकल गया यहाँ से। तो गाइस और कोई रास्ता नहीं है, मैं छुपके से इसी रास्ते से जाना होगा जो ब्रिज बना हुआ है, उधर से जाके फिर मैं आपको एक क्लियर फोटो या व्यू दिखाता हूँ इनका दोनों का। सो गाइस हम जल्दी से चलते हैं वहाँ पर, और उसके पीछे हम जाके छुप जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस यहाँ से अगर बिल्कुल क्लियर अगर व्यू आ रहा होगा तो यार यहाँ से भी नहीं दिखाई दे रहा, ये दोनों कैसी जगह पर बैठे हुए हैं। एक मिनट में जूम करके देखता हूँ। देखो वो हाथ वाला तो वो है जिसके पास गाड़ी है, वो दूसरा वाला नहीं दिख रहा जिसका ये घर है गाइस। थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से जाके देखते हैं, अब शायद दिख जाए। एक मिनट, हाँ यहाँ से गाइस बिल्कुल सही दिखेगा। एक बार जूम करके देखता हूँ मैं, यहाँ पर अपनी दूरबीन निकालते हैं और यहाँ से जूम करके देखते हैं। ऑल राइट गाइस देखो दिख रहा है बिल्कुल, अब क्लियर दिख रहा है। ये वाला जो है ये वही बंदा है जिसकी के पास लैम्बोर्गिनी कॉन्टार्च है, इसकी हमें गाड़ी चुरानी है, और जो दूसरा वाला बंदा है उसका ये घर है जिसने इसको पार्टी में बुलाया है। ऑल राइट तो गाइस हम डायरेक्ट तो यहाँ से घुस नहीं सकते बिल्कुल भी, तो गाइस हमें आगे जाके कोई दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसके अंदर जाएँ घर के अंदर। मेरे तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस, क्योंकि अगर यहाँ से गए तो ये तो हमें पकड़ लेंगे, यहाँ से अगर कोई रास्ता मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से भी वैसे कुछ दिख नहीं रहा मुझे ज़्यादा खास। ओके गाइस तो मुझे यहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ दिख रहा है। ऑलराइट तो हम इसके पीछे छुप के पहले इसको देखते हैं, ये उस तरफ फेसिंग में है ना, ये उस तरफ दिख रहा है गाइस। तो मेरे दिमाग में वैसे एक आइडिया आ रहा है बहुत तगड़ा। देखो गाइस अगर हमें इस विला के अंदर जाना है तो हम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं घुस सकते, तो हमें मेरे दिमाग में आइडिया ये आ रहा है कि ये जो आगे पुलिस वाला खड़ा हुआ है हम इसको टपकाते हैं, ठीक है। इसको टपकाने के बाद हम इसके कपड़े पहनेंगे और फिर हम फ्रीली इधर उधर घूम सकते हैं, हमें कोई परेशान नहीं करेगा बिल्कुल भी। ओके तो हम इसके पीछे पीछे से जाते हैं आराम से, फिर हमें कोई पहचानेगा नहीं कि हम कौन हैं, और हम फिर गाड़ी को आराम से चोरी कर सकते हैं। तो गाइस मैं, और ये क्या सही लोकेशन है गाइस, इसको यहीं पर ही मार के पीछे इसको दबा देंगे कहीं पर, और जो इसके कपड़े यहीं पर ही चेंज करके। ऑलराइट तो मैं स्टन गन निकाल लेता हूँ, और ये और अरे गलती से पड़ गई गाइस, ये तो गाइस गाइस इसके पिछवाड़े पे, और ये भी जिंदा है बे, इसको और मारना पड़ेगा। ओके फाइनली गाइस हमने इसको मार दिया मुझे लगता है, अब हमें इसको घसीट के यहाँ पीछे लेकर आना है ताकि हम इसको ठिकाने लगा दें या कोने में, और फिर चुपचाप इसके कपड़े चेंज करते हैं, तो उससे हमें अंदर जाने की परमिशन तो मिल जाएगी, क्योंकि पुलिस वाला है गाइस को तो कोई रोक टोक भी नहीं कर सकता। ऑलराइट तो गाइस इसे हम पीछे यहाँ पर कहीं पानी के पास डाल देते हैं ताकि कोई इसे ढूंढ ना पाए पत्तों के अंदर, आई थिंक यहाँ पर ठीक रहेगा, थोड़ा सा और पीछे ले लेते हैं। हाँ ये लोकेशन बिल्कुल सही है। ओके तो यहाँ पर इसको लिटा देते हैं, मुझे ये हो रहा है कि गाइस इसे कोई देख ना ले। वैसे तो गाइस हमने इसे काफ़ी अच्छी जगह छुपा दिया है, यहाँ पर कोई देख पाएगा नहीं। तो गाइस अब हम बिना देर करे हम कपड़े चेंज करते हैं और फिर हम चलते हैं अपनी गाड़ी को ढूंढने। ऑलराइट सो गाइस मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज, वैसे काफ़ी कूल लग रहा है माइकल इन कपड़ों के अंदर पुलिस वालों के।
अब हमें खैर कोई आराम से हम जा सकते, कहीं भी कोई हमें पहचाने का नहीं कि हम कौन है, गुंडे हैं, चोर हैं, क्या हैं। अब हम लोगों के लिए पुलिस वाले हैं गाइस, कितनी ज़बरदस्त बात है ना। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई हमें रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। वैसे यहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी। ओ माई गॉड, ये रही हमारी कॉन्टार्ज गाइस, कितनी कसम से कितनी गजब लग रही है गाइस, एक बार देखो आप भी, कसम से बहुत अच्छी लग रही है। वाओ, रेड कलर में तो बहुत ही प्यारी लग रही है। ओके, तो एक गार्ड यहाँ पर भी खड़ा हुआ और दो वहाँ पर हैं। मैं आप लोगों को इसको एक बार पीछे से भी दिखाता हूँ कि कैसी दिखती है, कैसा लुक आता है इसका। देखो गाइस कितनी खतरनाक लग रही है गाइस ये, कसम से मज़ा आ गया। तो गाइस ये है वो 2.5 मिलियन की गाड़ी, जो कि लगभग इंडियन रुपीज़ में मिलेगी आपको 20 करोड़ रुपये की। और राइट गाइस, तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हम इसके अंदर बिल्कुल भी बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास चाबी नहीं है एक तो इस गाड़ी की, और यहाँ पर दो गार्ड्स भी खड़े हुए हैं और एक वहाँ पर भी गार्ड है। तो गाइस हम इसको ऐसे तो बिल्कुल नहीं लेके जा सकते यहाँ से। वैसे वहाँ पर भी दो गार्ड्स है गाइस, एक बार वहाँ पर चल के देखें क्या। यार काफ़ी लंबा, यार छोड़ो छोड़ो गाइस, रहने दो, बाद में देखेंगे। और राइट, तो गाइस हमें मेन मकसद ये है कि हमें इस गाड़ी को चुराना है, यहाँ से लेके जाना है। और गाइस इसके लिए हमें चाहिए होगी इसकी गाड़ी की कीज़, जो कि हमें मिलेंगी उस नीले शर्ट वाले इंसान से, जो कि इसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, पर जो भी है हम उससे वो कीज़ लेके रहेंगे। तो जबकि हम इनकी नज़रों में पुलिस वाले हैं, तो गाइस हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो गाइस हम यहाँ से अंदर चल के देखते हैं क्या हमें रोकेगा। आराम आराम से चलते हैं। ओके लेट्स गो। नहीं रोका गाइस इसने हमें, नहीं रोका। हम पुलिस वाले, हम कहीं भी जा सकते हैं। ग्रेट। ऑल राइट गाइस, तो वैसे काफ़ी बढ़िया लग रहा है घर बना हुआ। ये बंदा कौन है, खैर छोड़ो हम आगे चलते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर ही बैठे होंगे वो दोनों लोग, वो रहा एक नीली शर्ट वाला और एक वो वाला बंदा जिसका ये घर है, उसका नाम मैं भूल गया, क्या नाम था उसका, जेसन गाइस, उसका नाम जेसन था, याद आ गया। ब्लैक कोट वाला गाइस ये है जेसन, और वो उसका नाम मुझे नहीं पता क्या, उसको छोड़ो। खैर पर चाबी इसी के पास है गाइस, तो हमें इनसे चाबी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। वैसे ये घर काफ़ी बड़ा है गाइस सच में। ऑल राइट, तो मुझे वहाँ पर एक बंदा दिखा है और थोड़ा दिमाग भी चला है मेरा गाइस, तो देखते हैं वहाँ जाके। ऑल राइट, तो इसकी मुझे लग रहा है गुद्दी दबोचनी ही पड़ेगी। सो गाइस यही बंदा हमारे काम आने वाला है, तो देखते रहो वीडियो, मैं क्या करने वाला हूँ गाइस अभी देखते जाओ। देखो ए वेटर, मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुन रहे हो? अभी ओ साले मेरी बात सुन। हाँ बोल भाई, क्या बात हो गई? हाँ मुझसे ऐसे बात करेगा तू साले? भाई मुझे माफ कर दे भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे छोड़ दे भाई प्लीज। चुप बैठ साले, बहुत गुनगुना चुका ना तू। छोड़ दे भाई मुझे, माफ कर दे, मैंने कुछ भी नहीं किया। ज्यादा हिल मत साले, वरना गोली से यही उड़ा दूंगा। डर लग रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। देख वहाँ जो नीली शर्ट वाला बंदा बैठा हुआ है ना, तुझे उसको कुछ ना कुछ देना है। मुझे नहीं पता तू उसको क्या देगा, पर वो वहाँ से उठ के कहीं ना कहीं जाना चाहिए। और अगर वो नहीं गया तो मेरी बंदूक और तेरा भेजा, ये याद रखियो। भाई ऐसे मत कहो, मैं तो शादी भी नहीं, बच्चे भी नहीं है, तुम मुझे पहले मार दोगे। भाई तुम तो पुलिस वाले हो, तुम तो अच्छे होते हो ना। मुझे लग रहा है तू भेजे में गोली खाना ही चाह रहा है, सीधे सीधे कर रहा है। नहीं भाई मेरे पास तो सिर्फ जुलाब की गोली है, जिसे खा के जुलाब आने लगते है, और कोई गोली नहीं है। ठीक है तो मैं तुझे छोड़ लूंगा और तू वही गोली देगा, समझ आई? जा अब दे क्या जल्दी। ठीक है भाई मैं अभी देख आता हूँ, पर तुम मुझे मारना मत प्लीज। देखो मारना मत मुझे। अबे साले रोतलू, तू जल्दी जा यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा। ठीक है भाई मैं जाता हूँ। अब ये वही ना वेटर वाली बात, शाबाश जा साला। ये कुछ उल्टा सीधा ना करते बस, पर मुझे इसे बेहोश तो करना ही होगा, वरना ये जाके किसी और को ना बताते। नहीं मैं उससे बार बार यही कह रहा था कि अगर तूने कुछ किया तो मैं तेरे मुंह तोड़ के तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है वैसे। ये अगर साला कहाँ रह गया, अगर ये 5 मिनट में नहीं आया तो मैं इसे टपका दूंगा। ओह शुक्र आया। पुलिस वाले अंकल मैंने आपका काम कर दिया, देखो अब प्लीज मुझे जाने देना प्लीज। अब मुझे कुछ मत कहना प्लीज, अब मुझे जाने दो घर। जैसा आपने कहा था बिल्कुल मैंने वैसा ही किया, मैंने उसके अंदर जुलाब की गोली लगा दी है, मिला दी है। अब उसको थोड़ी देर में कुछ ना कुछ होने वाला होगा। मुझे माफ करना मेरे दोस्त। क्या
नहीं, मुझे प्लीज तेरी किस्मत खराब थी जो आज तूने छुट्टी नहीं की। मैं सारी तुम्हारा सारी बातें मानूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, बस मुझे जाने दो प्लीज। मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर और तू सिर्फ बेहोश कर रहा हूं। कम ऑन, इसका काम तो हो गया, अब बस मुझे चाबी लेनी है गाड़ी की। ऑल राइट गाइस, तो एक बार फिर से हम कंटिन्यू करते हैं गेम प्ले। तो गाइस प्लान कैसा का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस हमारा अगला काम यह है कि हमें इस लाश को पहले ठिकाने लगाना होगा, मतलब लाश तो नहीं कह सकते अभी, ये जिंदा है, बस हमने इसको थोड़ा सा बेहोश किया है स्टनगन मार के। तो गाइस हमें इसको ठिकाने लगाना होगा पहले ताकि इसे कोई देख ना ले। ओके, तो हम इसको वहीं पर ही जाके कोने में इसको फेंक ही आते हैं जाके। काफ़ी भारी लग रहा है वैसे इंसान, दिखने में तो हल्का फुल्का है पर इसको खींचने में इसको पता नहीं इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। ऑल राइट, तो गाइज हमने इसको लगा दिया है ठिकाने के लिए और अब हम जाते हैं जेसन के पास। वहाँ पर जाके हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे जब तक वो गोली अपना रिएक्शन नहीं दिखाती गाइज। ऑल राइट गाइज, तो अब हम चलते हैं। और गाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये घर कैसा लगा। ऑल राइट, तो हम बस पहुँच ही गए, वो दोनों यहीं कहीं बैठे हुए हैं। हाँ, ये रहा एक वो नीली शर्ट वाला जेसन, ये रहा। अब हम गाइज एक काम करते हैं, वहाँ पर जाके कोने में पहले खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं उसका रिएक्शन होने तक के लिए। तो गाइस हम यहाँ पर जाके खड़े हो जाएंगे, इनको लगेगा कि हम इनकी सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए हैं, बट बात कुछ और ही है। लेकिन अभी हमें पता नहीं कि आखिर हमें कब तक ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा, हो सकता है अभी उसका असर शुरू होने वाला हो। वैसे हेनरी, तू मुझे बता रहा था कि तेरी बीच में तबीयत खराब चल रही थी। हाँ, वो बीच में थोड़ी हो गई थी। मैं इसे कैसे बताऊँ कि मेरी अब भी बहुत बुरी हालत हो रही है, मेरे पेट में गुड़गुड़ मची हुई है, मैंने पता नहीं ऐसा क्या खा लिया। अरे हेनरी, आखिर तू कहाँ खो गया यार? वैसे यार, कभी हमारी कंपनी में भी पैसे इन्वेस्ट करो ना। चल मैं तेरे लिए एक ड्रिंक बनाता हूँ तगड़ी सी। अरे नहीं, उसकी क्या ज़रूरत है। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि क्या मैं थोड़ी देर टॉयलेट हो के आऊँ क्या? अरे हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, जाना। ठीक है, तो मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, तू मेरा इंतज़ार करियो। चल मैं हो के आता हूँ। हाय हाय, ये क्या हो गया, कोई हास मोला की गोली दे दो। मेरा पेट, भागो। क्या होगा। ऑल राइट गाइस, तो गोली ने अपना रिएक्शन दिखा दिया है। तो गाइस अब हम जल्दी से चलते हैं और लेते हैं उससे अपनी कॉन्टार्च की चाबी। ऑल राइट गाइस, तो काफ़ी सिंपल है, अब हम ऊपर जाएंगे, उसको टपकाएंगे, गाड़ी की चाबी लेंगे और फिर गाड़ी की चाबी लेने के बाद हम जाएंगे गाड़ी के पास, उसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकल लेंगे गाइस। बट गाइस अभी हमें ये भी तो नहीं पता कि वो कौन से टॉयलेट में, वो टॉयलेट है किधर, ये सामने वाला दरवाज़ा कहाँ है। ओके, ये तो कोई म्यूज़िक स्टूडियो लग रहा है गाइस, ये तो नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ से चलते हैं। इधर आगे वाला गेट चेक करते हैं गाइस, ये वाला। यहाँ तो कुछ नहीं है, नहीं यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा, यहाँ पर देखते जाके। ये कौन सा, ये तो ऑफिस लग रहा है शायद। ओके, तो यही वाला गेट बचा, शायद यही होगा। ऑल राइट, तो गाइस हम 3 के काउंटडाउन पे जाएंगे अंदर। 1, 2 एंड 3। व्हाट साले, अरे तुम क्या करोगे, कोई बचाओ। गाइस ये तो गया, क्या दीवार चाटी है इसने, मजा आ गया। ओके गाइस, तो हम जल्दी से इसकी चाबी ले लेते हैं। अब वैसे गाइस इसको मारना इतना आसान होगा, मैंने सोचा नहीं था। और ये तो मर गया यार, इसका तो खून वून सब निकल गया। ओके, तो हम ऐसे दिखते हैं नीचे झुके हुए, बढ़िया। ऑल राइट गाइस, तो हमने इसकी चाबी ले ली है। तो गाइस अब हम थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा ताकि किसी को पता ना लग जाए कि यहाँ पर मरा हुआ पड़ा हुआ, क्योंकि मर ही चुका है गाइस बिल्कुल, इसका तो खून भी निकल गया। तो गाइस अब हम सीधा जाएंगे गाड़ी के पास। और गाइस अब भी मुझे पर पता है क्या एक दिक्कत लग रही है, मुझे लग रहा है कि गाइस वो जो दो नीचे गार्ड, वो पुलिस वाले थे, गार्ड थे, मुझे ध्यान नहीं, वो जो दो खड़े हुए थे यार, वो अब कुछ ड्रामा ना करें, वो कहें कि कहीं तुम तो पुलिस वाले और तो ये तुम्हारी गाड़ी नहीं है, तो तुम तो ये लेके जा नहीं सकते। तो गाइस अभी जाके हमें देखना पड़ेगा कि उनका क्या करना चाहिए, ये बेचारा अकेला बैठा हुआ, इनका इंतज़ार ही करता रह जाएगा भाई, वो नहीं आने वाला, तू जा। ऑल राइट, तो हम चलते हैं बाहर। ये तो स्विमिंग पूल आ गया गाइस। अच्छा यार, ये घर पूरा भूल भुलैया है। ठीक है, सामने वाला गेट है, तो यहाँ से हम निकलते हैं बाहर गाइस, फिर देखते हैं हम उन दो गार्ड्स का आखिर क्या करना है। ऑल राइट, तो हम निकलते हैं पहले यहाँ से बाहर। ओके, तो एक यहाँ पर भी तो खड़ा हुआ, ये तो हम भूल ही गए थे। खैर अब हमारे पास चाबी तो है गाड़ी की, हम निकल तो सकते हैं, पर ऐसे नहीं निकलेंगे।
मैं इनसे जाके कुछ बात करता हूँ थोड़ा बहुत। गाइस झूठ तो बोलना पड़ेगा। Hey, excuse me, Mr. Bob. आपको अंदर जेसन सर बुला रहा है। अबे यार आखिर क्यों बुला रहा है मुझे वो साला, क्या करूँ, सिगरेट पीने का टाइम था साला, जाना तो पड़ेगा। जाता हूँ देखता हूँ। सर आप वहाँ जाके खड़े हो जाओ, मैं थोड़ी देर में जाता हूँ, ठीक है ना? आप पहुँचो, मैं जा रहा हूँ बस। ऑल राइट गाइस, तो हमने एक का काम तो कर दिया, अब दूसरे का देखना पड़ेगा। खैर अभी हम वहाँ पर जाके कोने में खड़े हो जाते हैं। ऑल राइट गाइस, तो मैं इन दो गाड़ियों के पास जाके खड़ा हो जाता हूँ और उसने बोला मैं गाड़ी का ध्यान रखना। चलिए मिस्टर हॉक आप जाइए फिर, हम जरा बीड़ी फूक के आते कोने में। हाँ साला तुम पियो बीड़ी, हम देख के आते हैं। पता नहीं क्यों बुलाया है मनुष ने। आह भाई जरा ध्यान रखियो, अंदर से होके आता हूँ। ये तो गया लंबा, मैं थोड़ा बीड़ी फूक के आता हूँ, उसको बोल देता हूँ गाड़ी का ध्यान रखेगा। मिस्टर पुलिसिया जो भी आपका नाम है, थोड़ा गाड़ी का ध्यान रखिएगा, मैं ज़रा बीड़ी फूक के आता हूँ। ओके। अरे हाँ हाँ आप जाइए, बेफिक्र रहिए, हमें यहाँ हम देख रहे हैं ना गाड़ी को, आखिर हम पुलिस वाले हैं, जाइए आप। फिर आते हैं हम अभी थोड़ी देर में बीड़ी फूक के। चलो भाई आज बीड़ी पी लेते हैं, पता नहीं गोल्ड फ्लैग पर। तो ये बंदा हमें इस गाड़ी का ध्यान रखने के लिए देके गया है। इसको नहीं पता हम कि इसका कितना ध्यान रखने वाले हैं गाइस गाड़ी का। तो गाइस अब दूसरी दिक्कत ये है कि जो सामने बंदा खड़ा हुआ है, सबसे पहले हम इसको टपकाते हैं और यहाँ से जाके फिर जल्दी से गाड़ी को लेके जाते हैं यहाँ से अपना। ओके, तो इसको टपकाने के लिए हमें चाहिए होगी एक पिस्तल। तो गाइस हम निकाल लेते हैं पिस्तल, ये रही हमारी, लोहे वाली निकालेंगे थोड़ा, क्योंकि स्टन गन से इसके ऊपर काम नहीं होगा। अगर हमने इसके ऊपर एम किया तो वैसे ही हम पे, इसके पास अच्छी वाली गन है तो हमें हो सकता है शूट कर दे। तो आराम से जाके बिल्कुल इसके सर पे मारेंगे, 1 2 3 मर सकते, मर गया गाइस। ओके तो इसका बच गया है गेम यहाँ पर। ओके तो अब क्लियर है बिल्कुल, गाड़ी की चाबी हमारे पास है, यहाँ पर कोई नहीं है, नीचे सिगरेट पीने गया हुआ है। तो गाइस अब हम निकलते हैं यहाँ से जल्दी गाड़ी लेके अपनी। कितनी कमाल लग रही है वैसे गाड़ी की कसम से, देखो एक बार इंटीरियर देख लो आप इस गाड़ी का, कितनी सही लग रही है। आखिर हमने गाइस ये गाड़ी चोरी कर ही ली, काफ़ी टाइम लगा पर हमने कर ली। तो गाइस हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, कहीं वो सिगरेट पी के आ जाए। अब हम इसको कर लेते हैं स्टार्ट एक बार। गाइस इसका बैक भी देखो कितना कमाल का लगता है ना। और राइट, तो इसको कर लेते हैं हम स्टार्ट, 1 2 3 और ये हो गई गाड़ी स्टार्ट। गाइस आवाज़ सुनो, ओए होए मज़ा आ गया यार। ऑल राइट, तो गाइस हम जल्दी से डाल लेते हैं रिवर्स गियर। और गाइस अभी एक दिक्कत और भी है, शायद बाहर दो लोग गार्ड्स खड़े हुए थे, अब हमें वो, वैसे तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि हमें पकड़ेंगे नहीं, आराम से जाने ही देंगे, क्योंकि उनको क्या पता कि गाड़ी के अंदर कौन है। तो गाइस अब हम चलते हैं और टेस्ट करते हैं कि वो हमें कुछ कहते हैं या नहीं। वैसे मुझे पता है 100% कि वो हमें कुछ नहीं कहने वाले। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो वीडियोज़ को। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल गेट के पास, अब टेस्ट करते हैं कि हमें कुछ कहते हैं या नहीं। ऑल राइट, तो ये खड़े हुए वो दोनों, तो गाइस इन्होंने कुछ ही नहीं कहा, हम आराम से निकल कर बिल्कुल मज़े से। ऑल राइट, तो अब हम निकलते हैं यहाँ से, बहुत बढ़िया। सो गाइस मिशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये गार कैसी लगी ये तो बिल्कुल बताना मत भूलना कि कमेंट सेक्शन में, कि आपको गार कैसी लगी। ऑल राइट, तो गाइस हम आगे जाके थोड़ा सा अब हम इसका करते हैं थोड़ा सा स्पीड टेस्ट के आखिर कितनी फास्ट जा सकती है गाड़ी। ओके तो ऑल राइट, 1 2 3 ऑन लेट्स गो। वो गाइस काफ़ी तेज़ भाग रही है गाइस, कपॉन इसका पिकअप देखा गाइस आपने, कितनी तेज़ भागी आ रही है एकदम, देखो दोबारा भगाता हूँ। ओके तो 150 130 थोड़ा ब्रेक मारने पड़ गया हमें, अब हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ये देखो गाइस 150 160 170 180 तक ही पहुँच पाए गाइस अभी, क्योंकि आगे थोड़ा रोड ख़राब आ गया था। हाँ ये वाला रोड है ना ज़बरदस्त गाइस, इस पर भगाएंगे हम सीधा अब। ऑल राइट, तो पहले थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। ओके तो 1 2 3 गो। ओ भाई साहब गाइस कितनी ज़बरदस्त भाग रही है गाड़ी, मतलब 200 टच करने वाली गाइस, 200 हो गई टच, हो गई 200 टच भाई, ये 300 भी कर लेगी मुझे लग रहा है।
और ये करने ही वाली है गाइस, 300 भी करके ही रहेगी आज। कम ऑन फिफ्थ गियर। नहीं यार 300 तो नहीं कर पाई यार अभी है। वैसे गाइस आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, किस कार के ऊपर चाहिए, तो गाइस मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैं अब अगली वीडियो पे किस कौन सी कार पे काम कर रहा हूँ। तो गाइस अभी जो है मैं जो काम कर रहा हूँ तो गाइस वो है आपकी बचपन में हम सबकी फेवरेट रही है गाइस, वो गाड़ी अब भी है गाइस, काफ़ी ज़बरदस्त लगती है गाइस क्योंकि, तो मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे इससे भी ज़्यादा बेटर लगती है वो गाड़ी, मतलब कितनी ज़्यादा स्पोर्टी है ना वो। सो गाइस उसका नाम है टार्जन द वंडर कार। जी हाँ गाइस बिल्कुल सही सुना आपने, टार्जन द वंडर कार हम डालने वाले हैं GTA 5 के अंदर, जो कि होने वाला है ओरिजिनल मॉडल। कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी दूसरी गाड़ी को पर्पल पेंट करके या लैम्बोर्गिनी को पर्पल पेंट करके कह दिया कि ये टार्जन द वंडर कार है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। टार्जन द वंडर कार आएगी, जो ओरिजिनल मॉडल है गाड़ी का वही आएगा, और काफ़ी हद तक मैं मॉडल कंप्लीट कर चुका हूँ, इंटीरियर पर भी काम चल रहा है गाइस। ऑलराइट तो मैं ज़रा पहले घर की लोकेशन लगा लूँ क्योंकि अब हम सीधे जाएंगे घर, क्योंकि वीडियो हो चुकी है गाइस काफ़ी लंबी। हाँ गाइस मैं मानता हूँ कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो जाती है हमारी, क्योंकि गाइस पर आप ये भी तो देखो कि हमारी वीडियोस के अंदर गाइस स्पीड शिफ्टर की वीडियोस के अंदर डिटेल्स कितनी होती है प्रॉपर। गाइस मैं आपके लिए एक स्टोरी बनाता हूँ पहले, वीडियो बनाने से पहले तो गाइस एक पूरी स्टोरी बनती है, फिर उसको टाइम लग जाता है काफ़ी वीडियो बनाने के अंदर। हाँ पर गाइस ऐसा नहीं है कि स्टोरी भाग रही है, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से दिखाने में ही स्टोरी समझ में आती है। तो गाइस अगर आपको भी ऐसी वीडियोस और स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगती है गाइस। इस टाइम भी मैं आपको बताता हूँ 4:11 हो रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। सो गाइस हाँ आपको GTA 5 में आपकी फेवरेट टार्जन द वंडर का ज़रूर देखने को मिलेगी गाइस, जल्दी वीडियो आने वाला है उसके ऊपर भी, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना है गाइस, उसके लिए आपको वो सब्सक्राइब का बटन दबाना है और एक लाइक का बटन दबाना है। तो गाइस आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं जाएगा, प्लीज़ छोटा सा कर दो यार प्लीज़। ऑलराइट तो गाइस हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं माइकल के घर, वहाँ पर इस गाड़ी को खड़ा करेंगे थोड़े टाइम तक जब तक किसी को पता ना लगे। और गाइस सबसे पहले इसके हमें नंबर प्लेट चेंज करानी पड़ेगी, कोई पुलिस वाला हमें देख के कहीं अभी रोक ना लेना। और गाइस हाँ एक चीज़ और, हमारे चैनल पर एक वीडियो और आने वाली है, वो होने वाली है आपके डैशबोर्ड से रिलेटेड। तो गाइस उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम उसको अंदर डैशबोर्ड को थोड़ा अपग्रेड करने वाले हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी नीडल्स हैं, जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो मीटर होता है, तो गाइस वो वर्किंग होने वाला है। जी हाँ गाइस तो वो चलेगा सिर्फ अभी पर GTA 5 में तो नहीं चल सकता वो, बट वो चलेगा आपका अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर और यूरो ट्रक में वो काम करेगा गाइस। वैसे काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो, आई एम रियली सॉरी, पर मैं अगली बार से ज़रूर ट्राई करूँगा कि वीडियो को छोटा और स्टोरी को थोड़ा ज़्यादा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं। और गाइस आई होप कि आपने इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी, और अगर गाइस अगर नहीं देखी तो गाइस चैनल पे जाओ देखो, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। आपको थोड़ा बहुत स्टोरी बता देता हूँ उसके अंदर क्या होने वाला है। उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि तीन गाड़ियाँ, तीन क्लासिक स्पोर्ट्स कार जो कि बहुत पुरानी हो चुकी हैं, वो जा रही थी प्लेन से और हो गया प्लेन क्रैश। तो गाइस वो पानी में डूबी हुई हैं, तो गाइस उनको हम निकालने जाते हैं, उनको रिस्टोर कराते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो गाइस, आप उसको जाके देखो एक बार, काफ़ी डिटेल में आपको पता लगेगा सब कुछ। सो गाइस अब हम पहुँचने ही वाले हैं माइकल के घर, बस 1.37 माइल्स बचे हैं। और गाइस देखो एक बार लुक देखो इस गाड़ी का, कितना ज़बरदस्त आ रहा है ना। वैसे गाड़ी है कमाल की कसम से, बहुत अच्छी गाड़ी लगी मुझे गाइस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि गाइस आपको ऐसा कंटेंट किसी भी चैनल में देखने को नहीं मिलेगा जिसके अंदर सिनेमैटिक्स भी हो, गेम प्ले भी हो, और अब तो मैं फेस कैम वीडियो भी डालने लगा, शायद ये मेरी पहली फेस कैम शायद वीडियो होगी जो प्रॉपर होगी। और गाइस वॉइस डब करने के अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है, वो मैं भी उड़ता है तो हाँ मैं कहा था वॉइस डब करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी पर्टिकुलर अपनी आवाज़ होती है इसके अंदर, जो कि आपको शायद ही किसी चैनल पे मिले। ऑलराइट तो अब यहाँ से अब लेना है हमें राइट, और फिर थोड़ा सा लेना है लेफ्ट, और फिर सीधा सीधा जाके अपना आ जाएगा माइकल का घर। मैं सोच रहा हूँ कि गाइस माइकल को उस घर में रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया, तो गाइस एक वीडियो बनाई जाए इसके अंदर हम एक नया घर ख़रीदने जाएँ। तो गाइस अगर आपको ये प्लान मेरा अच्छा लग रहा हो तो गाइस बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि हम ऐसा करें या ना करें।
ऑलराइट, तो यहाँ से हम लेना है लेफ्ट और बस वो रहा हमारा घर। ओए बस भी खड़ी हुई है घर के बाहर एक, नहीं थोड़ी आके थी। अच्छा ठीक है, तो अब ये हम पहुँच चुके हैं अपने घर पे और इसको खड़ी करते हैं जब तक थोड़ा मामला शांत नहीं हो जाता। और गाइस इस बार देखो हमने कितना ज़बरदस्त मिशन किया, बिल्कुल हिटमैन स्टाइल में। हमारे पीछे कोई पुलिस ना पीछे पड़ी और ना किसी को इतना ज़्यादा शक हुआ और हमने गाड़ी आराम से चोरी कर ली है। कल साइमन भी आएगा गाइस, उसको पैसे भी देने। और राइट, तो गाड़ी कर देता हूँ मैं बंद। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ कैसी लग रही है गाइस। वैसे कमाल की लग रही है गाइस गाड़ी, एक बार बाहर निकल के दिखाता हूँ। फर्स्ट पर्सन कैमरा। ऑल राइट, देखो गाइस कैसी लग रही है गाइस, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको इसका एक बार पीछे से भी व्यू दिखा देता हूँ अभी। देखो हाँ ये रहा, अब यहाँ से दिखेगा। देखो गाइस कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना गाइस। और अगर इसके अंदर बाद में जाके मैं थोड़ा मॉडिफिकेशंस भी कराएंगे तो गाइस उसके ऊपर एक पर्टिकुलर अलग वीडियो होगी। तो गाइस अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और गाइस अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आप सब अच्छे रहें। ओके ऑल राइट, सो बाय बाय, टाटा, सी यू। और स्पीड शिफ्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो पे एक लाइक दबा के जाना। ओके गाइस, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।